was closing in. I was alone and so afraid. Couldn't see the light. No. Then my world began to spin. Where's the beginning? Where's my omega? Have to make it right. ये वाला लोकेशन में कुछ ज़्यादा ही टाइम ले लिया मैंने, क्योंकि क्या है ना, सोलो ट्रैवल कर रहा हूँ तो फ़ोटो उठाने के लिए कोई है नहीं, सो खुद ही को स्टैंड निकाल के ट्राइपॉड लगा के उठाना पड़ रहा है। चलो कोई ना, यही तो एडवेंचर है ज़िंदगी का, क्योंकि आप क्या लेके आए थे और क्या लेके जाओगे। तो अभी थोड़ा बेटर लग रहा है मेरे को, क्योंकि अभी धूप आ चुका है, अभी अंदर मेरे को गर्म भी लग रहा है। वेलकम टू काबीटिंगदा, द हिस्टोरिकल विलेज ऑफ सिक्किम। अच्छा, पता नहीं था, देखो इसलिए बोला था, ऑफ बीट पकड़ो, नया नया चीज़ देखने को मिलेगा। अरे यहाँ पे तो रास्ता ख़राब है, और ये लोकेशन ना जहाँ पे रुका था बढ़िया है, मतलब अगर आप लोग सुबह सुबह आते हो, जैसे मैंने पूरा देखा कि सूरज उठ रहा है और फॉग क्लियर होते हुए सनराइज़, वो भी सुबह 10-11 बजे के करीब। नाइस नाइस एरिया मन, नाइस एरिया। ठीक है, अभी पहुंचते हैं मंगान। पूरा रास्ते में अकेला एरिया में कोई है ही नहीं। ये गांव है जो कि शुरू हो चुका है, लेकिन मुझे कुछ घर वर कुछ दिख नहीं रहा है, शायद आगे जाके मिलेगा। बहुत टाइम वेस्ट कर दिया अभी। अरे आज मेरा बैग इतना साइड वाइज क्यों जा रहा है। अच्छा, यहाँ से शायद गांव शुरू होता है। हाँ, यहाँ पे एक घर है। अच्छा, टिंगडा 1.51 किलोमीटर है। अच्छा, ऊपर जाना पड़ेगा टिंगडा जाने के लिए। सो दिस इज़ अ हिस्टोरिकल विलेज ऑफ सिक्किम, ये ऊपर टिंगडा। ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग अ फेटल कॉकटेल, ट्रू, वेरी ट्रू। ये भी टिंगडा का ही पार्ट होगा। और नाइस नाइस, ये कौन सा फूल है मेरे को नहीं पता, लेकिन जो भी है बहुत खूबसूरत है। दिसंबर में टाइम पे मेरे को ऐसा फुल फ्लावर्स देखने को मिलेगा, मैं सोचा नहीं था, बहुत ही कलरफुल फ्लावर्स था। हाँ, ये लैंडस्लाइड है, लैंडस्लाइड हुआ है। और ये पंछी देखो, क्या पंछी है, इधर लैंडस्लाइड हुआ है। आज मेरा बैग बहुत प्रॉब्लम कर रहा है।
तो यहाँ पे आता है डाउन हिल। सो ये लोकेशन है काबी, यहाँ से काबी शुरू होता है। ये भी डाउन हिल है। हो, क्या रास्ता है, क्या रास्ता है। वेलकम टू काबी सब डिवीजन। अभी यहाँ पे थोड़ा ठंडा लग रहा है, अब तक गर्म था, अभी ठंडा लग रहा है। अरे ऐसे ब्यूटी, व्हाट अ ब्यूटी। यहां से फेंसांग है 8 किलोमीटर, और काफी अच्छा खासा जा रहा हूं क्योंकि रास्ता बहुत साफ है। ये एक्चुअली मेरे को लगता है ना ऑर्बिट से बाहर आ चुका है, क्योंकि वो बीच में एक बाईपास था ऑर्बिट का। काबी से निकल के फेंसांग से पहले आपको यहाँ पे एक ATM मिलेगा, बैंक भी है लेकिन बंद है। सो मेरे को लगता है ये कोई टैक्सी स्टैंड है शायद। हाँ तो चुंगथांग यहाँ से 78 किलोमीटर्स है, और मंगन है यहाँ से 45 किलोमीटर्स। जल्द से जल्द मंगन पहुंचेंगे, फिर थोड़ा रिलीफ मिलेगा। तो यहाँ पे फिर से डाउनहिल। ओ कॉर्नरिंग भाई साहब, कॉर्नरिंग। मेरे को एक हिमालय नजर आ रहा है। हाँ
हिमालयन है, ये फिर से डाउन हिल जा रहा है। ये स्कूल है, ग्रीन वैली एकेडमी को रेसिडेंशियल स्कूल। यहाँ पे थोड़ा स्लो कर लो क्योंकि ब्लाइंड टर्न है, ये भी ब्लाइंड टर्न है, ये शायद पूरा सर्कल हाफ सर्कल नहीं है भाई साहब, पूरा सर्कल है। अच्छा इसके ऊपर से आके यहाँ से आया, ये भी सर्कल। यहाँ पे देखो सब कैसे हॉलीवुड मूवी जैसा फील दे रहा है मेरे को, रैम्बो का मूवी, मतलब रैम्बो का वही फेमस रैम्बो। वहाँ पे जगह का नाम मैं भूल जा रहा हूँ, एक लोकेशन दिखाया गया था जहाँ पे टेररिस्ट अटैक हो रहा था, लोकल्स बहुत परेशान थे, वहाँ पे ऐसा एक लोकेशन दिखाया है मतलब मूवी में। और यहाँ पे कॉर्नर्स में ना ध्यान से, मतलब कॉर्नर्स करना आता है, इसका मतलब ये नहीं कि कॉर्नर में घुसा दिया है। ये देखो यहाँ पे भी कलरफुल फ्लावर्स, गलती से भी हार्ड ब्रेकिंग रियर ब्रेक में मत करना, ब्रेक अगर करना है 50-50 रेशियो में फ्रंट ब्रेक और रियर ब्रेक, और रियर ब्रेक पे जस्ट पैर रखना, उसको पुश मत करना। ये देखो मैंने जस्ट पैर रखा है, क्लच किया है, छोड़ दो, बस छोड़ दो, अपने आप नीचे आ जाएगा, छोड़ दो आ गया नीचे, ठीक है ऐसे चलो। नहीं तो क्या होगा, अगर आप लोग एक्सेलरेशन देते रहोगे ना तो स्किड करने का चांसेस हो सकता है। ये देखो ऐसे मैं छोड़ दिया, बस छोड़ दो, गाड़ी अपने आप आ जाएगा, बस बस चलो। छोटे छोटे डॉग्स, छोटे छोटे अभी टाइम नहीं है रहे तो रुक के, और ये कोई नर्सरी है। सो अभी मैं पहुंचने वाला हूँ फेंगसांग। वाह ये पत्थर के ऊपर, नाइस। अच्छे से लेके जाना भगवान। यहाँ पे भी वाटरफॉल है, वो पानी आ रहा है वहां से। हेलो, वो 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 मैं इसके लैंग्वेज में बात कर रहा था तेरी। ये कॉर्नर भाई साहब, वाओ ये कौन सा ब्रिज है, स्पान B3 ब्रिज। वो देखो वहां पे लोहे का पुल, उस पार में पानी उस झरने से आ रहा है, यहाँ पे लोहे का पुल, ये पुल बंद कर दिया गया है, नहीं तो पहले यही रास्ता था। मतलब सोचो इतना में ही मेरा हालत ख़राब है, उससे जाता तो और ख़राब हो जाता। लुक्स लाइक दे आर बंगाली पीपल। ओ तेरी, ओ दिस इज बागचा नॉट सिक्किम, और इसका चढ़ाई
गियर कम, ये तो नहीं चढ़ेगा। बाय बाय। क्या बोला वो अपने लैंग्वेज में, मेरे को समझ नहीं आया। राइट सेफ वाला ऐसा कुछ बोला क्या, पता नहीं। वाटरफॉल देख, वाटरफॉल यहाँ से एक और वाटरफॉल। अरे सुबह से मेरे को वाटरफॉल ही मिल रहे हैं। तो इस जगह का नाम है बापचा। वुडन हाउसेस, यहाँ से नजारा देख रहे हो, जन्नत है भाई साहब। और चुंगथंग ये वाला रास्ता है, एक ही है रास्ता। अच्छा अच्छा ये बंद है। अच्छा इधर मत जाना, ठीक है सीधा चले जाना। इधर उठ के सीधा जाना है, ऐसे जाएगा तो मंदिर जाएगा ना। हाँ सीधा जाएगा। अच्छा ठीक है, तो वो रास्ता बंद है। सेकंड गियर पकड़ के चढ़ो चढ़ो चढ़ो। अच्छा इधर मंदिर जाने का रास्ता है। यहाँ पर रास्ता नहीं है। शिट 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 शिट। चल 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 भाई चल, चलो रे। आ गया तीन दिन के बाद मेरे को ऐसे सफेद क्लाउड्स देखने को मिले भाई साहब। देख रहे हो ऊपर सफेद क्लाउड्स, तीन दिन के बाद। वेदर सुबह क्या था, अभी क्या हो रहा है। टाइम हो गया ऑलमोस्ट 11:23, अब तक मंगन नहीं पहुंचा। मंगन पहुंच के टैंक में अभी भी फुल टैंक दिखा रहा है, लेकिन फुल टैंक है नहीं। कुछ तो कम हुआ होगा, क्योंकि इस्लामपुर में मैंने फुल टैंक कराया था, उसके बाद से मेरे को लगता है कि क्वार्टर टैंक चल चुका है। तो जितना बचा है ब्रिम तक फुल करना है, और वहाँ से 5 लीटर एक्स्ट्रा कैरी कर लूँगा तेल, क्योंकि मंगन के बाद लाचेन गुरुदांगमर बैक टू लाचुन, लाचेन एंड लाचुंग कटाओ युंगथांग ऑन ज़ीरो। यहाँ तक कोई भी पेट्रोल पंप नहीं है, सो इट्स बेटर टू कैरी ऑयल रादर देन सेइंग ऑन अजम्पशंस कि नहीं आपका बाइक परफॉर्म कर देगा। शिट शिट, एक और वाटरफॉल। फक
What the mess is this? The fuck? Let's go. Let's go. अभी फर्स्ट गियर में डाल के चलाना है इसको. चढ़ चढ़ जा भाई, चढ़ जा, चढ़ चढ़ गया, चढ़ गया, चढ़ गया, चढ़ गया, चढ़ गया, चढ़ गया, चढ़ गया. यहाँ पे भी यहाँ के लोगों का जिंदगी का एक और वाटरफॉल, यहाँ के लोगों का जिंदगी का, आई मीन यहाँ के लोगों का जिंदगी कितना हार्ड है. हाँ थैंक यू थैंक यू थैंक यू. सब्सक्राइब कर लेना. मेरा बैग आज ना दिक्कत कर रहा. ये भी वाटरफॉल का ही है पानी, पानी पता नहीं दिख नहीं रहा है अंदर की तरफ होगा. चारों तरफ हजारों वाटरफॉल्स है, हजारों. वो वाटरफॉल देख रहे हो कितना मस्त है. मंगन है 37, चुंगथांग है 65. और ये ब्रिज, यहाँ पे रोक के मैं ब्रेकफास्ट कर लेता हूँ, नहीं तो खाली पेट जाना सही नहीं होगा. सो मंगन से लाइट नहीं आ रहा है. सो मंगन से 37 किलोमीटर्स पहले मैं यहाँ पे रुका था ब्रेकफास्ट करने के लिए. वहाँ पे मेरा बाइक खड़ा है और ये यहाँ पे मेरे को जो दिखा ना, गजब चीज़ है. आप लोगों को दिखाते हैं. और ऑफ बीट लोकेशंस पे आने का यही एक मज़ा है कि आपको कुछ ना कुछ नया देखने को मिलता है. और आपको आवाज़ से समझ में आ रहा होगा, आई एम क्लोजिंग टू अ समथिंग. सो मैं सीढ़ी से नहीं जाऊँगा, मैं नीचे यही से जाऊँगा क्योंकि टाइम कम है. सीढ़ी से अगर ऊपर जाऊँगा तो टाइम लग जाएगा मेरे को बहुत. सो दिखा देते हैं लोकेशन. यहाँ पे मैं रुक गया, मेरे पीछे वाटरफॉल. और हेयर स्टाइल ख़राब है, कुछ कर नहीं सकते, हेलमेट पहन रहे. सो इस जगह का नाम है सेवन सिस्टर वाटरफॉल्स. लोकल से मैंने पूछा तो इन लोगों ने बताया कि अभी सिक्स सिस्टर्स है क्योंकि एक सिस्टर का शादी हो चुका है. सो बढ़िया लोकेशन है, आई मीन पीछे देख ही सकते हो. ठीक है, थोड़ा एक्सपोजर ज़्यादा हो रहा है इसलिए नहीं आ रहा है, कलर करेक्शन करना पड़ेगा. तो यहाँ से मैं निकलूँगा मंगान. मंगन जाने के बाद वहाँ पे फ्यूल अप कराएंगे, टंकी में अभी फुल है. इस्लामपुर से मंगन पहुँच जाएगा वहाँ पर डिस्कवर इसीलिए. ठीक है, और एक्सट्रीम राइड हो रहा है. और ये जो रूट है मैं आप लोगों को बता दूँगा कैसे आना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज़ ऑफ बिट लोकेशन. और यहाँ से मंगन इज, देख लो, दैट इज़ मंगन इज 37 एंड चुंगथांग इज 65. सो यही है, अभी आगे निकलते हैं. लेट हो चुका हूँ ऑलरेडी, 11:58, इट्स 12 इन द आफ्टरनून. सो एक्शन कैंप पे मिलते हैं. सो थोड़ा लेट हो गया, मैं पहुंचा था 11:40, अभी हो रहा है 12:07. वहाँ पे वाटरफॉल जो आपने देखा. और फिलहाल मंगन इज स्टिल 37 किलोमीटर्स. खा पी के एकदम फ्रेश मंगन में जाके फ्यूल अप कराना होगा. और यहाँ पे कुछ बंगाली मिल गए थे, बोल रहे थे कि घूम रहे हो, अकेले घूम रहे हो, काफ़ी सही है, हम लोग शादी करके फंस गए. ठीक है, शादी से पहले बाइक लेके घूमा करते थे, अभी घूमना होता नहीं है, गाड़ी में बीवी को लेके घूमना पड़ता है. तो वही सब बात कर रहा था. और जगह बढ़िया है, बढ़िया है, बहुत बढ़िया जगह है. सो 1 hour 29 minutes. अरे उधर से एक और बाइक,
शिट, उधर भी एक वाटरफॉल। मेरे को बीच में तो, बीच में से तो जाना नहीं चाहिए, लेकिन जब बीच में उतर ही गया है तो बीच में से ही जाते हैं, नहीं तो क्या होगा। ये पहला वो ब्रिज में हुआ था, साइड पैनल में गाड़ी, ये देखो स्किड किया, वो साइड बीम्स में ना गाड़ी स्किड होने लगता है। सो ब्रेकफास्ट में मेरा लग गया 100 रुपये, 70 रुपीज़ का वाई वाई, कुछ ज़्यादा ही एक्सपेंसिव है। सही भी है क्योंकि ऑफ बीट है एकदम। अभी थोड़ा ऑक्सीजन लेवल सही लग रहा है, घर पे कॉल कर दिया, दोस्तों को कॉल कर दिया, ग्रुप में कॉल कर दिया, बस अभी निकलो। वाटर क्रॉसिंग मैं देख रहा हूँ कुछ कुछ बाइकर्स जा रहे हैं, बट लोकल्स जितना से भी बात किया वो बोला कैलकटा से उतना कोई यहाँ पे आया नहीं है, और जो भी आया है वो शायद व्लॉगिंग नहीं करता है जैसे आप करते हो। सो अनऑफिशियली शायद लोग आए होंगे, लेकिन ऑफिशियली हम पहला लड़का है शायद, पता नहीं कोई और भी आया होगा। YouTube इज़ अ बिग ओशन, ढूंढने से शायद मिल जाएगा, लेकिन मेरे लिए ये फर्स्ट टाइम है। मेरे दोस्त लोग कोई पहले नहीं आए हैं जो राइडर्स हैं, नॉट इवन द सीनियर्स, सबसे मैंने पूछ लिया। अरे ये रास्ता कहाँ है, ये क्या लिखा है, फार्म ताम प्राइमरी हेल्थ सब सेंटर नॉर्थ सिक्किम। ओके आज का दिन हार्श होगा क्योंकि हम रनिंग लेट, और कल भी सुबह सुबह निकलना है, 4 बजे तक लाचेन से निकलना है गुरुदांगमार के लिए, और कल का पता नहीं क्या होगा, भगवान बचा लेना। सोलो जा रहा हूँ, दिक्कत मत कराना बस। लोगों को लगता है ना कि लद्दाख टफ है, लद्दाख टफ है, लद्दाख इटसेल्फ इज टफ, बट नॉट एज टफ एज गुरुदांगमार, क्योंकि गुरुदांगमार इज अ हार्डेस्ट ट्रेल। गुरुदांगमार में आपको हाईवे देखने को नहीं मिलता है जो कि आपको लद्दाख में मिलता है। दिस कम्स अंडर द हाईवेज, बट दिस डजंट लुक लाइक अ हाईवे, बिकॉज हर टाइम देयर इज समथिंग और द अदर इज गोइंग ऑन। सो ये रास्ता डेंजर है, बेसिकली टैक्सी ड्राइवर्स डरते हैं 3 बजे के बाद गाड़ी चलाने में, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल धड़ 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 गिरता रहता है। और अगर आप में से किसी ने टोम रेडर गेम खेला है लारा क्रॉफ्ट का, सो उस टाइप का माहौल है यहाँ पे। अगर नहीं खेला है तो उसका ट्रेलर आप लोग यूट्यूब पे देख सकते हो, टोम रेडर लारा क्रॉफ्ट बोल के। वो पीसी गेम है, फ़ोन में नहीं है, फ़ोन में जो है वो उतना एक्साइटिंग नहीं है। सो वो देखने से आप कनेक्ट कर पाओगे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। फिलहाल इस्लामपुर में सिलीगुड़ी से पहले, सिलीगुड़ी से 85 किलोमीटर्स पहले मैंने फुल टैंक कराया था, अभी भी फुल टैंक की शो हो रहा है, लेकिन तब से ऑलमोस्ट 250 किलोमीटर चल चुका है। तो अभी तक तो नौबत नहीं आया तेल डलाने का, लेकिन मंगन में जाके फ्यूल अप कराना पड़ेगा और एक्स्ट्रा तेल भी कैरी करना पड़ेगा, क्योंकि जब मैं मंगन से उतरूँगा 3 दिन बाद, सॉरी जब मैं लाचेन लाचुंग गुरुदांगमार 0 पॉइंट युंगथांग ये सब करके नीचे उतरूंगा, उस बीच में कोई पेट्रोल पंप है नहीं। सो आई विल हैव टू कैरी सफिशियंट फ्यूल, क्योंकि जितना मैं ऊपर चढ़ूंगा उतना मेरा माइलेज ड्रॉप करेगा। और यहाँ पे ना अब ज़ोर से भी नहीं चला सकते, 40 to 50 इज़ अ मैक्स स्पीड। कहीं कहीं पर रास्ता अच्छा मिल गया, स्ट्रेच कर दो 70-80 तक, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं। और कॉर्नर में भाई साहब अच्छे से ध्यान रखना जब बाइक चला रहे हो। और ये आज मेरा बैग एक साइड पे हिल जा रहा है, एक प्लस पॉइंट है। कल नहीं, कल भी तो मैं, हाँ हाँ कल भी मेरे को
बैग कैरी नहीं करना पड़ेगा, बस लाचेन आके लंच करके वो बैग लेके मैं निकल जाऊंगा तुम्हारा लाचुंग के लिए। क्या व्यू है, क्या शानदार व्यू है, मैं जिंदगी जी रहा हूँ जिंदगी, ये जिंदगी वापस नहीं मिलने वाला है ब्रो। सब कोई रास्ते में मेरे को बोल रहे, अरे तुम साला डेयरिंग लड़का है, कोलकाता से अकेले आ गया। मैं बोला देखो भाई, लद्दाख लोग तो सोलो किया है, गुरुदांग में भी बहुत जन सोलो किए हैं, तो यहाँ पे लोकल्स जो लोग बाइकर्स को मतलब शेल्टर देते हैं, जो दुकान में मैं खाना खा रहा था तो वो वाला जो लड़का था तो उसने मेरे को बताया, सी देयर वाज अ गाय हु केम इन बुलेट, ही वाज ट्रैवलिंग सोलो, तो ही स्टेड इन माई होम, लाइक ये मेरा घर भी है दुकान भी है, ही स्टेड हियर, आई चार्ज हिम 200 फॉर द डिनर एंड द नाइट स्टे, होम स्टे जैसा ही है, बट ही वॉज ट्रैवलिंग सोलो, बट द प्लस पॉइंट वॉज ही वॉज हैविंग अ बुलेट, एंड अदर टाइम देयर वॉज अ गाय हु केम इन पल्सर, दैट इज 220, सो दैट इज अ हायर सीसी, सो उसमें उतना ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होता है, लेकिन वेन यू आर ट्रैवलिंग इन अ बेयर सीसी बाइक नो, देर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स दैट यू हैव टू फेस, स्पेशली एयर प्रेशर, जो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि कभी छोड़ रहा है कभी पकड़ रहा है। तो वो लोग कलकत्ता से नहीं थे, कोई एक केरला से था, कोई एक कहीं और से था, सो दिस इज लाइक लाइफ मैन, यहाँ पे सूरज का किरण, यहाँ पे पूरा सन सन सनलाइट दिख रहा है ऊपर, वहाँ पे मेरे को पता नहीं, वो शायद लाचेन है लाचुंग है क्या है मेरे को पता नहीं, या वो भी नहीं उसके पीछे भी हो सकता है, कुछ नहीं पता, ऊपर फॉग एंड क्लाउड्स, दिस इज लाइफ मैन। दोस्तों के साथ आओगे उसका एक अलग मज़ा है, ठीक है, आपको अकेलापन महसूस नहीं होगा, आपको डर नहीं लगेगा, क्योंकि आपको पता होता है कि आप बाइक चला रहे हो, आपके आगे पीछे कोई ना कोई है आपको सपोर्ट करने के लिए, लेकिन ये रास्ता देखो, यहाँ पे मैं कैसे एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि इधर अगर कुछ हो गया तो मेरे आगे कोई रहेगा, मेरे पीछे कोई रहेगा, आई विल हैव टू वेट टिल समबडी कम्स अप हियर। द ग्रीनरी ऑफ दिस विलेज इज सस्टेंड बाई आपा चावांग जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमिटी, और ये 3 दिन के बाद फर्स्ट लोहे का पुल, यहाँ भी एक वाटरफॉल, जितना हो सके लेफ्ट या राइट साइड से जाओ ब्रिज में, इफ देर इज अ लोहे का पुल या लोहे का ब्रिज, क्योंकि बीच में से जाओगे हो सकता है क्रैश कर जाए, इसका डर रहता है। और ये एक्सपीरियंसेस ना, मैं जितना ट्रैवल कर रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ, उससे मेरे को पता लग रहा है, बिकॉज दिस इज माई फर्स्ट टाइम ट्रैवलिंग टू गुरुदांग मर ऑल अलोन, एक्साइटेड तो हूँ ही पहला दिन से, जब से प्लानिंग शुरू किया था, डर भी है, सबसे ज़्यादा डर तो कल लगने वाला है, यहाँ कोई 50-60 किलोमीटर में कोई नहीं है, यहाँ पे फिर भी लोग आते जाते हैं, वहाँ पे लोग नहीं आते हैं। ओह माय गॉड, दिस रोड, लुक एट दिस, मैंने ना गूज बम्स आ रहे हैं, फक। और मेरे को ना अच्छा एक कैमरा लेना पड़ेगा फोटोग्राफी करने के लिए, या तो एक फ़ोन लेना पड़ेगा, क्योंकि मेरे फ़ोन से ना एक्सपोजर बहुत ज़्यादा हो रहा है, सी यहाँ पे ग्रेवल्स और मेरा लेफ्ट राइट हो गया था, इधर ही स्किड करने का चांसेस होता है, फ़ोन लेना पड़ेगा, क्योंकि मैं जो फ़ोटोज ले रहा हूँ दोज आर ऑल रॉ पिक्चर्स, मुझे उसको कलर ग्रेडिंग करके फिर पोस्ट करना पड़ेगा। सो इंस्टाग्राम में आप लोग मेरे को फॉलो कर सकते हो, मैं वहाँ पर रेगुलर अपडेट्स देता हूँ, ID है @MrCountLogs, और यहाँ पे सिक्किम में ना जितने जन से भी मिला सब ने सब्सक्राइब किया, सब ने अच्छे से बात की, एंड दे वी लाइक वी सपोर्ट पीपल हु आर लाइक दिस, यू नो इट डजेंट मैटर इफ़ यू हैव 50 सब्सक्राइबर्स और यू हैव 50,000, यू ऑल आर सेम, बिकॉज टू गेन 50 सब्सक्राइबर इट टेक्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क एंड टाइम
एंड पेशेंस. सो पीपल हियर आर ऑल सपोर्टिव. और यहाँ पे पूरा खाई और यहाँ पे सुंदर पर्पल फ्लावर्स, पता नहीं कौन सा फ्लावर है. घर में जाऊँगा कलकत्ता वापस तो गूगल करके देखूँगा. और लाचेन में पहुँचने के बाद मेरे पास नेटवर्क नहीं रहेगा, STD ISD कुछ है नहीं वहाँ पे. सो लोकल्स अगर कहीं से मेरे को कुछ जुगाड़ होता है. मंगन इज 32, फोडंग इज 2 किलोमीटर्स. एंड लुक एट दिस प्लेस, वो वहाँ पे हट्स दिख रहा है, दोज आर अबंडेंट हट्स. फक मैन, फक. और सिक्किम चढ़ने के, सिक्किम जब से चालू हुआ है ना, मैंने हार्डली हॉकिंग किया होगा. यहाँ पे एक और ब्रिज, फक. ये रास्ता शायद ऊपर की तरफ जाता है. द ग्रीनरी अच्छा. B9 ब्रिज डेडिकेटेड बाय प्रोजेक्ट स्वस्तिक ब्रो फॉर द कनेक्टिविटी ऑफ नॉर्थ सिक्किम, इनॉग्रेटेड बाय लेफ्टिनेंट जनरल SK श्रीवास्तव. यहाँ पे लोहे का पुल था, मतलब 5-6 साल पहले जो लोग आते थे उन लोगों को ये खतरनाक लोहे के पुल से क्रॉस करना होता था. और हम लोग तो ऐसे ही ईजी निकल रहे हैं लोहे का पुल. व्यू पॉइंट तोमलोंग यही है क्या, देख लेते हैं, आ ही गए हैं तो. सो ये तोमलोंग व्यू पॉइंट है. फक, व्हाट द हेल इज दिस. पहाड़, वहां तक पहाड़ दिख रहा है. यहाँ पे तो ना थोड़ा संभाल के रुकना पड़ेगा, बिकॉज आप लोग हायर ऑल्टीट्यूड चला रहे हो, ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप कर रहा है, तो यहाँ पे रुकने के बाद मूवमेंट ज़्यादा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर फिसले तो सीधा नीचे. सो दिस इज तोमलोंग व्यू पॉइंट. व्हाट अ ब्यूटी. और बी केयरफुल विथ योर स्टेप्स. ओके, फाडोंग इज 1 किलोमीटर एंड मांगान इज 29 किलोमीटर्स. दो बच्चे जा रहे हैं, बात कर लेता हूँ. हाँ, व्हाट इज दिस विलेज, इसका नाम क्या जगह का, तोमलोंग. अच्छा अच्छा, थैंक यू. तो वो था तोमलोंग, ये है तोमलोंग. बाय बाय. गैंगटॉक से मंगन जाने का जो ये रूट है, मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा एक दिन गैंगटॉक में रुक के जाओ, तब मज़ा आएगा. सेवक से डायरेक्ट सिंगटम मार्केट होके मंगन वाला जो रूट जाता है वो भी अच्छा ही है, लेकिन इतना कुछ देखने को नहीं मिलेगा. यहाँ पे रास्ता नहीं है. शिट, ट्रक्स कैसे निकलते हैं यहाँ से, मतलब मैं जब आ रहा था नीचे ट्रक भी जा रहे हैं. अच्छा, ये भी एक लगता है जगह ही है, शायद ये तोमलोंग ही होगा, पता नहीं. ब्लाइंड टर्न है,
गाड़ी स्लो। यहाँ पे ये रास्ते का ये हालत है, वहाँ बीच में से रास्ता ना टूट गया है। ओह फक, यहाँ पे लगता है वाटरफॉल्स है। हाँ, छोटा वाटरफॉल है और ये रास्ता बीच में से टूटा है। ओके, अरे बाप रे, फक। ओके, तो टाइम इज 12:47, एक बजने वाला ही है और अभी भी 24 किलोमीटर्स बाकी है। मैं बहुत ज़्यादा लेट हूँ आज, बहुत ज़्यादा लेट हूँ, रात तक नहीं पहुँचूँगा लगता है लचैन। गैंगटॉक से 120 किलोमीटर ही है लेकिन रास्ता बहुत डेंजर है। रंगारंग इज 17 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर, रंगारंग। चलो 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 भाई चलो। हेलो, कितना छोटा है ना ये। यहाँ पे कैसे चढ़ूँ, फर्स्ट गियर में चढ़ना पड़ेगा लगता है। चल भाई उठ जा, उठ जा, उठ गया उठ गया उठ गया।
दिस इज अ व्यू पॉइंट और समथिंग, पता नहीं। ये देखो पत्थर ऐसे कटआउट होके निकला है, नीचे से रास्ता है। अच्छा है, 15 किलोमीटर। लेट्स गो। 15 किलोमीटर्स। सर मंगन का रास्ता यही है, यहाँ से सीधा। ओके सर, ये जगह कौन सा है? हाँ अच्छा, थैंक यू। हाँ सिक्किम पता है, मंगशिला। अच्छा अच्छा ठीक है, थैंक यू। रीजनिंग, बाय 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 बाय। हाँ हाँ बाय 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 बाय। सुबह से दूसरा हस्कर बना देगा। ये क्या बवाल चीज है, गाड़ी गाने देते। कम अप कम अप। ये क्या रास्ता है, ये भी शायद कोई वाटरफॉल था लेकिन सूख गया है, अभी पानी नहीं है यहाँ पे। फक, अब तक खाई मेरे इस तरफ था, अभी इस तरफ आ गया है। मंगन इज स्टिल 12 किलोमीटर्स लेफ्ट एंड राइट नाउ द टाइम इज 1:51। वाह ये लोकेशन बहुत अच्छा है। राइट नाउ द टाइम इज 1:15। सॉरी क्या रे, एस्टिमेटेड दिखा रहा 1:52 तक पहुंच जाऊंगा मैं मंगन में, फिर वहां से शुरू करेंगे लाचेन। ये पूरा ब्लाइंड है, मेरे इस साइड में खाई है, पर ये रास्ता बहुत मस्त है। लेकिन Look at this! Oh my god! This place is so beautiful, man. मतलब अचानक से आ गया सामने। ये क्या हुआ? गाड़ी रुक क्यों गया? Sorry. एक ना मेरे को साउंड आ रहा है, वो ब्रेक से आ रहा है कि कहाँ से आ रहा है समझ में नहीं आ रहा है। एक कर कर करके एक साउंड आ रहा है।
यहाँ पे रास्ता है ही नहीं, यहाँ पे रास्ता है नहीं, यहाँ पर रास्ता है नहीं। लगता है ये मेरे फ्रंट ब्रेक से आ रहा है, और नहीं तो यहाँ पे भी एक वाटरफॉल। एक साइड से नोटिफिकेशन आ रहा है, यहाँ पे ना रास्ता नहीं है इसलिए 11 किलोमीटर बहुत ज़्यादा टाइम दिखा रहा है। हाँ, ये मेरे पीछे के ब्रेक के साउंड, ब्रेक से साउंड आ रहा है। तो इस जगह का नाम है जसिंग। फॉक, व्हाट इज दिस शिट। कम ऑन। ओह माय गॉड, कमर का ना 12 नहीं, 1 बज चुका है। शिट, यहाँ पे भी वाटरफॉल चारों तरफ। इस रास्ते में सुबह से मेरे को वाटरफॉल्स ही दिख रहे हैं। ये कौन सा बाइक है? हीरो होंडा समथिंग, पता नहीं कौन सा है। हाँ, ये पीछे का ब्रेक का साउंड, ये मेरा पीछे का ब्रेक से साउंड आ रहा है, नहीं तो पहिए से, पता नहीं। What the hell is this? फक, ज्यादा घुमा दिया था। ओके, सो अब लोगों को यहाँ से जाना है दाएं तरफ फॉर मंगान, और बाएं तरफ जाना है फॉर सिलीगुड़ी। यह रास्ता याद रखना, अगर आप लोग सिलीगुड़ी से आते हो तो वो लिखा है वेलकम टू 107 RCC सेक्टर। आप लोगों को जाना है सीधा, और ये वाला रूट पकड़ोगे तो रास्ता जाएगा गंगटोक की तरफ। सो मंगन बस पहुंचने वाला हूँ, 9.3 किलोमीटर्स दिखा रहा है। यहाँ पे कुछ बाइकर्स, और ये क्या मंगन का लास्ट पेट्रोल पंप है, ये वाला है। इज दिस द लास्ट पेट्रोल पंप फॉर मंगन? दिस वन अप देयर, राइट? ओके ओके, थैंक यू। सो यहाँ से ना मैं एक मैं आगे जाके आगे जाके उठा लूँगा कि यहीं से उठा लूँ, समझ में नहीं आ रहा है, यहीं से उठा लेता।